बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो व्यूअर्स, आप सब ठीक ठाक होंगे और सर्दी को खूब खूब इंजॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह से तकरीबन 5-6 रोज से हफ्ता हो गया है, बारिशों का भी सिलसिला जारी है और अल्लाह से दुआ है कि ये बारिशें जो है रहमत का बारिश हों और सबके लिए तमाम जो बीमारियाँ जो जो मसाइल हैं जिसके अल्लाह पाक को इस बारिश की बरकत से जो है वो हल फरमाएं। और चलिए नाजरीन, आज अपनी जो है नई वीडियो शुरू करते हैं। नई वीडियो जो है वो मेरी पार्सल के हवाले से है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास सईद गनी का पार्सल जो है वो पड़ा हुआ है। एक्चुअली चीज़ें मैंने एक ही जगह पे ऑर्डर की थी, बट ड्यूरिंग डिस्पैचिंग इनसे कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो गई थी, जो ये पैक करना भूल गए थे, तो दैट्स वाई इन्होंने फिर मुझे बाकी जो चीज़ें हैं वो इस छोटे पार्सल में फिर बाद में भिजवा दी थी। बहरहाल काफ़ी अच्छे से मुझे इनका ये जो पार्सल है मैंने रिसीव किया है और माशाल्लाह से कोई भी किसी भी किस्म का ब्रेकेज वगैरह नहीं हुआ। तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं मुझे सेफली जो हैं वो रिसीव हुई हैं। तो व्यूअर्स, ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने इनसे परचेज की हैं। इनमें आंवला ऑयल है, सईद गनी का मस्टर्ड ऑयल है और वाइटनिंग लोशन है विटामिन सी का, शिया बॉडी बटर है विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर की है, और क्रैक हील क्रीम है। इसके अलावा ज़ाफ़रानी उपटन है और फेस वॉश जो है ये मुझे डील थी उसमें मिले हैं और काफ़ी अच्छी डील थी। इस तरह से अगर आप एक फेस वॉश जो है वो परचेज करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट इनका ईयर एंडिंग सेल थी जिसमें ये डील जो थी मुझे काफ़ी रिजनेबल लगी तो ये मैंने परचेज की। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके प्राइसेस के हवाले से कि मुझे किस तरह से मिले हैं, यानी किन किन प्राइसेस में मिले हैं। आमला ऑयल जो है वो आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएगा, 100 ml की बॉटल है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी रिजनेबल। एंड सेकंड प्रोडक्ट जो हमारी है ज़ाफ़रानी उपटन है जो कि 150 का है और ये भी 100 ग्राम का जो है ये बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं और अच्छा खासा चल जाता है इंशाल्लाह से। और फिर है नो स्टिकी मस्टर्ड ऑयल जो कि 210 रुपए की बॉटल है और 200 ml की पैकिंग में है जैसा कि आप देख सकते हैं, और अच्छी खासी प्रोडक्ट है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगी ये। और इसके अलावा नो क्रैक फुट केयर क्रीम है जो कि 297 का है और विटामिन ई एक्स्ट्रा वाइटनिंग लोशन है जो 238 रुपीज़ की है, रिच या बॉडी बटर है 425 का है। इन तमाम प्रोडक्ट्स में सिर्फ ये प्रोडक्ट जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर और ब्रांड के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए लाइक डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं एमके कॉस्मेटिक्स या आईक्यू ऑर्गेनिक्स वगैरह के, जितनी भी यानी ऑर्गेनिक्स ब्रांड्स के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली उसके सईद गनी का बॉडी बटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रीजनेबल है, आपके बजट में भी आता है और प्लस सबसे अच्छी बात यह है ऑर्गेनिक है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। और फिर इसके अलावा बंडल ऑफ 4 फेस वॉशेज हैं जो कि मुझे 480 की डील थी उसमें मिले थे। इनमें जो दो हैं वो नीम के हैं और एक विटामिन सी का था और जो बाकी जो था वो संदर फेस वॉश वो था। और ये उपटन वाला जो फेस वॉश है ये फिर बाद में जो इस सेकंड इन्होंने मुझे पार्सल भेजा था ये उसमें इन्होंने मुझे फ्री में भेज दिया था, जिसे आप PR कह सकते हैं। बहरहाल थैंक्स इनके लिए, मतलब इतने अच्छे से मुझे तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे मेरे तक पहुंचाने के लिए और इतना सेफली पहुंचाने के लिए कि माशाल्लाह कोई जो प्रोडक्ट जो है वो टूटी नहीं है, डैमेज नहीं हुई, सेफली मेरे तक पहुंची है। तो अब हम कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो है मैं इस वीडियो में कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जो हो जाए इस वजह से, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से मेरी यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह इस वीडियो को सईद गनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं 2 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और कुछ प्रोडक्ट्स का जो है वो हम आज रिव्यू कर लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनका फिर नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कर लेंगे। लेकिन इनके यूजेस जो हैं या ये कितने बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए वो इंशाल्लाह आफ्टर मंथ आपको बताया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यूज़ भी की हैं लेकिन सईद गनी की प्रोडक्ट्स मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने इनकी यूज़ की हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और काफ़ी जो है वो स्किन के लिए अच्छी साबित हुई है, किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहली प्रोडक्ट जो है वो हमारी ज़ाफ़रानी उपटन है
जो कि स्किन की ब्लेमिशेस के लिए, एक्नी स्पॉट्स के लिए और जितने भी आपकी अनइवन स्किन टोन है उसके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि इसको साफ करने में बहुत आपको इजी है। लाइक इससे पहले मैं नौरंगी उपटन जो है वो मैं यूज करती थी, उसे जब आप हटाते थे तो हटाने में काफी दिक्कत होती थी, बट इसका ये उपटन जो है ये मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ और इसको जब आप ड्राई हो के इसको जब आप हटाते हो तो ये इजीली जो है वो आपके फेस से रिमूव हो जाता है। और ऑर्गेनिक है, अच्छी बात ये है इसकी। और बहुत सादा सा तरीका है, इसको अर्के गुलाब या ताजा पानी में मिलाकर आपने पेस्ट बनाना है और इसको आपने लगा लेना है और जब ड्राई हो जाए तो आपने इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से इसको हटा देना है और सादा पानी से चेहरे को वॉश कर लेना है। तो बहुत जबरदस्त इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये, तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, आप इसको जरूर लें। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका फिर मैं इंशाल्लाह आपको यूज करने के बाद बताऊंगी, जो जो अगर मैंने यूज नहीं की तो उसका यूज करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आया वो इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए या नहीं। सेकेंड प्रोडक्ट हमारी आती है फिर ये फेस वॉशेज हैं जो कि 4 है मेरे पास। इनमें पहला जो है मेरे पास विटामिन सी का फेस वॉश है। विटामिन सी आपको अच्छी तरह से पता है हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल, विटामिन सी के बारे में बात की जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल है स्किन के लिए। और आजकल तो वैसे भी ऑरेंजेस का सीजन है तो जितने ऑरेंजेस आप खा सकते हैं, अगर डेली भी आप एक ऑरेंज खाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत रेडियंट और बहुत जो है क्या कहते हैं सॉफ्ट रहती है। और प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ब्लेमिशेस और जितनी भी अनइवन स्किन टोन है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये जो क्लेम कर रहे हैं वो ये है कि मतलब ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और आपकी स्किन की जो नेचुरल वाइब्रेंसी है उसको स्टोर करता है। और रिंकल्स जो है, जिनको रिंकल्स का इश्यू है या झुर्रियां वगैरह पड़ गई हैं तो वो भी विटामिन सी से बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो रिमूव हो सकती हैं। तो ये जो फेस वॉश है ये ऐसी खवातीन के लिए जिनके चेहरे पे झुर्रियां हो गई हैं, अनइवन स्किन टोन है या एक्नी स्कार्स जो है वो हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त है। तमाम दाग धब्बे जो है वो मिटाने में ये आपको आपकी मदद करेगा। तो इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास फेस वॉश है वो नीम फेस वॉश है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है आपको पता, तो नीम फेस वॉश जो है ये जैसा कि नीम की मतलब नीम से जाहिर है कि नीम के पत्ते जो हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं, एक्निस के लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जिन बच्चियों को एक्निस का इशू होता है, स्पेशली टीनेज की जो वो होती है उसमें एक्निस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए अच्छी बात है कि ये तो एक तो आपका जो ऑयल है वो उसको कंट्रोल करेगा, स्किन पे जितना भी ऑयल है एक्सेस ऑयल नहीं होने देगा और किसी भी तरह के पिंपल्स वगैरह हैं तो जितनी भी आपकी एक्सेस ऑयल है उसको खत्म करके और ये आपकी स्किन के तमाम पिंपल्स जो है उनको खत्म करेगा और नेचुरल ग्लो जो है वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये भी आप यूज करें, इंशाल्लाह अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ऑर्गेनिक चीजें हैं, सबसे अच्छी बात ये है अगर इसने कोई फायदा नहीं दिया तो एटलीस्ट किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी आपको नहीं देगा। और फिर ये नेक्स्ट हमारा फेस वॉश है उपटन फेस वॉश। जैसा कि नाम से जाहिर है उपटन तो जमाने कदीम से कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए और जो कहते हैं क्लीन और रेडियंट स्किन के लिए यूज होता आया है। तो इसमें इन्होंने उपटन के जो तमाम जो इसके खसूसियात हैं वो इन्होंने इस एक छोटे से फेस वॉश में सारे डाल दिए हैं। तो होप सो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होगी, यूज मैंने नहीं की बट होप सो सईद गनी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे मेरा मुकम्मल एतमाद है क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये यूज कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये भी अच्छी होगी, ये भी आप यूज करें और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये प्रोडक्ट। और नेक्स्ट हमारे पास है संदल का फेस वॉश। संदल भी जो है वो स्किन के कॉम्प्लेक्शन के लिए और ऑयल कंट्रोल के लिए बहुत जबरदस्त काम करती है और बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स हैं इसके भी स्किन के लिए। रिंकल्स जो हैं वो उनको खत्म करती है, अनइवन स्किन टोन जो है उसको अच्छा करती है, बाकी भी जितने भी आपकी स्किन ऐसी बाज लोगों की हो जाती है कि कुछ जगहों से जो है वो कलर जो है वो डिसकलरेशन हो जाती है तो उन चीजों को भी ये इंशाल्लाह जो है वो ओवरकम करेगा। तो ये मेरी ओवरऑल वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका रिव्यू इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।